हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग एक और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं जिनका वर्तमान समय में प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसमें फर्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली जो हम लोग पढ़े हैं लाइट माइक्रोस्कोप और या कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें लाइट सोर्स का प्रयोग किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग होता है और ये जो बीम होते हैं वो लहर की तरह चलते हैं और ये लहर दिखाई देने वाले प्रकाश या लाइट से ठीक है एक लाख गुना छोटी होती है और इसीलिए या हम कह सकते हैं कि यही ये यह, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है So an electron microscope is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. Electron microscopes can have magnifications of multiples of five lakh. Ernest Ruska and Max Knoll. बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन नाइनटीन थर्टी वन ठीक है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उन्नीस सौ इकतीस में बनाया फोर्थ दिस एंड सबसिक्वेंट वर्क ऑन द सब्जेक्ट अर्नेस्ट रुस्का वॉज अवार दोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन नाइनटीन एटी सिक्स इनको नोबल प्राइज का अवार्ड मिला था फिज़िक्स के लिए 1986 में ठीक है तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि दो तरह के होते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका शॉर्ट फॉर्म टी ई एम है ठीक है तो इसका आविष्कार किया था नॉल एंड रस का किस ईयर में 1932 में और ये जो है जनरली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो ढाई से तीन मीटर उसका हाइट होता है और जिसमें कि एक वर्टिकल नली लगी होती है और उसमें स्विच भी होते हैं फोटो प्लेट रखने का स्थान भी बना हुआ होता है तो इसी तरह से Uh, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इस ये किस चीज के लिए यूजफुल होते हैं तो इज यूजफुल फॉर स्टडीइंग इंटीरियर ऑफ सेल्स ठीक है कैन नॉट व्यू लिविंग स्पेसिमेन मशीन इज वेरी डेलिकेट एंड रिक्वायर्स स्पेशल इंजीनियर्स एंड मशीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसमें ये किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है सेल्स के स्टडी के लिए है ना जो इंटरनल सेल्स होते हैं उसके स्टडी के लिए इस इसका यूज़ किया जाता है और इसको जो ये होता है वो का, काफ़ी डेलिकेट होता है और इसको सावधानी से रखा जाता है उसी तरह से सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब इस माइक्रोस्कोप में एस्पे से टकराकर इलेक्ट्रॉन जो है वो, वो एक इमेज बनाता है और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एस ई एम ठीक है तो उसमें हम लोग स्पेसिमेन कैसे देखेंगे तो उसको हम लोग ड्राई करते हैं फिर उसको स्टब में रखा जाता है और स्पटर इस, इस कोटिंग यूनिट में ठीक है जो स्टब हुआ इस, इस उसको स्पटर कोटिंग यूनिट में गोल्ड और प्लैटिनम दोनों में से किसी एक से उसको कोटिंग किया जाता है ठीक है तो इस तरह से उसको स्कैन करके दिखाते यूजफुल फॉर स्टडिंग सरफेस ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इमेजेस हैव थ्री 3D appearance कैन नॉट व्यू लिविंग ठीक है लिविंग स्पेसिमेन इसमें उसको नहीं दिखा सकता है। इसमें एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीज को देखा जाता है और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसर्च के क्षेत्र में ये काफ़ी उपयोगी हैं ठीक है थैंक यू